तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 20 डेज बीपीएससी क्रैश कोर्स। और आज 18वां दिन है, तो सिर्फ अब 2 दिन रह गए एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक कि आपकी प्रिपरेशन जो उसी पेस के हिसाब से स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। तो हम लोग आज सितंबर महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आखिरी की दो जो क्लासेस हमारी रहेंगी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो 20th डे वाली क्लास होगी, उसमें मैं आपको जो भी हमारे अभी के बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देखकर एग्जामिनेशन में जाना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अराउंड 20 के आसपास जो कि बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो तरीका मैं आपको बताऊँगा आखिरी दिन, ठीक है। तो और कल हम लोग जो है वो बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, साथ साथ लास्ट ईयर का जो है 64 जो बीपीएससी का पेपर है वो भी हम लोग देखेंगे 19वें दिन अगली क्लास में। तो आज हम लोग सितंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो गिटअप से जैसा कि हम कंपाइलेशन लेते हैं, वहीं से मैंने फिर से उठाया है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बैंकिंग से आपको बताया था कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि एमएसएमई का जो लोन है, रिटेल लोन और एमएसएमई लोन है, उसको आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया है कि 1 अक्टूबर से उसको आप लोग को हर बैंक को एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जोड़ना होगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ मतलब कि जो भी आरबीआई के मेजर रेट्स होते हैं, पॉलिसी रेट, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, ट्रेजरी बिल, ये सारे रेट जो होते हैं, इनके साथ किसी भी एक के साथ आपको अपने लोन्स को लिंक करना है, ताकि अगर उनमें आरबीआई कोई चेंजेस लेकर आती है तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में अपने आप ही चेंजेस आ जाए। अभी के टाइम पे क्या है कि बैंक्स जो है आरबीआई के चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में या ट्रांसमिशन में बहुत टाइम लगा देती हैं, तो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी जो कस्टमर से उनको फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि 1 अक्टूबर से आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क से अपना जो लोन रेट है दैट है यू, आपको उसको लिंक करना ही पड़ेगा, ओके। उसके साथ साथ आरबीआई ने सोचा है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इसके लिए, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको आंख से देखने में प्रॉब्लम होती है उनको, ताकि वो करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई कर सके ठीक से। तो आरबीआई इसके लिए एक ऐप बनाने की बात कर रहे हैं। फिर साथ साथ इंडिया का जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, ओके, तो उसने आधार इनेबल पेमेंट सर्विस को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने इसको और भी देखा हुआ था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की बात की है। हमने ऑलरेडी लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में इस चीज़ को देखा था। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ही रहा है। उसके बाद जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, उसको कम करने की बात कही है। जो डोमेस्टिक जो भी कॉरपोरेट्स हैं और जो कंपनीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये बात जो है ये लोग कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स कम की जाएगी। देन नेपाल ने रिसेंटली 2500, 1000 और 100 रुपये के नेपाली करेंसी जो है नोट्स, उनके ऊपर गुरु नानक देव की फोटो के साथ उनको एज अ ट्रिब्यूट, उनके 550th बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट देने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक ने इशू किया था। ओबिचुअरीज हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। लास्ट मिनट रिविजन में आपको वो सारी चीज़ें देखनी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सेप्टेम्बर को इस साल से राष्ट्रीय पोषण माह की तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। तो इस बार का राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो पोषण अभियान के अंदर, जो स्कीम है पोषण अभियान, उसके अंदर इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है, ओके। तो स्टंटिंग रेट चिल्ड्रन में जो है वो 35 से 25% लाने की बात है 2022 तक, मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करने की बात है। तो ये जो है पोषण माह सेप्टेम्बर में मनाया जाएगा, और इस बार का जो थीम है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 21 सितंबर को वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और 15 ही सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर 26 सितंबर इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ओके। और कंफ्यूजन नहीं हो आपको रखना है कि नेशनल मैरीटाइम डे है वो 5 अप्रैल है, तो इंडिया का जो मैरीटाइम डे है वो 5 अप्रैल को लोग मनाते हैं, और वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे वो 26 सितंबर इस बार मनाया गया, बिकॉज जनरली इट इज़ द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर,
जब भी होगा वो उस दिन मनाया जाएगा। नाउ वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया और इसमें जो है आंध्र प्रदेश इट हैज़ बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म कैटेगरी, और गोवा और मध्य प्रदेश जो थे वो ज्वाइंट विनर्स थे किसमें, एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में। ओके विल वर्ल्ड हार्ट डे इज 29 सितंबर। फिर न्यू अपॉइंटमेंट्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक हमारे इंडिया के लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। नाउ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो पुराने एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे प्रदीप कुमार सिन्हा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिंसिपल एडवाइजर जो है नरेंद्र मोदी का बनाया गया है। फिर जो आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो पी लक्ष्मणा रेड्डी जो रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं उनको बनाया गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 23rd जो है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंडिया इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो टोटल स्ट्रेंथ थी पहले 30+1 थी, दैट इज 30 जजेस एंड 1 CJI, अब इसको 33+1 कर दिया गया है, तो 3 और जजेस का अपॉइंटमेंट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद इंडिया से इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर बात करें तो वेंकैया नायडू ने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली जो आंध्रा में आंध्र प्रदेश में लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल है उसका कंट्रीब्यूट मतलब उसको डेडिकेट किया है पूरे देश को, जो चेरलोपल्ली और रायपुरु के बीच में है ये टनल, ये लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल है आंध्र प्रदेश में ये है, ये इम्पोर्टेंट है। नितिन गडकरी जो है यूनियन मिनिस्टर उन्होंने हैज़ अनाउंस टू यूज़ द टाइनी अर्दन पॉट्स जो कुल्हड़ वाली चाय होती है तो इनको 400 रेलवे स्टेशन पे इसमें टी सर्व करने का उन्होंने इसको यूज़ करने के लिए बोला है। ओके तो ये डोमेस्टिक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट एंड डोमेस्टिक हमारे स्मॉल बिल्कुल स्मॉल आर्टिसंस वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप है। फिर जो 14 COP हुई है किसकी, UNCCD की, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका 14वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है ग्रेटर नोएडा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद युद्ध अभ्यास जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और US के बीच में है तो ये आपको याद रखना है, और ये अभी वॉशिंगटन में कंडक्ट हुआ है, ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे इंडिया और US में कंडक्ट होता है। ठीक है नाउ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है उसने CBSE के साथ पार्टनरशिप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कूल्स में प्रोवाइड करने की जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट करी। ओके फिर सिलिनेक्स जो है सिलिनेक्स 2019 ये इंडिया श्रीलंका का मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज है। ठीक है तो एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन रेलवेज हैज ऑब्जर्व द स्वच्छताही सेवा पखवाड़ा फ्रॉम 11 सितंबर टू 2 अक्टूबर इन कंट्रीब्यूशन टू द स्वच्छ भारत अभियान मिशन। फिर पहला कॉन्फ्रेंस जो है मिलिट्री मेडिसिन के ऊपर जो SCO का है, शंघाई कॉरपोरेशन स्टेट्स जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनका हुआ अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में। ओके तो ये फर्स्ट था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से पहला हेलीकॉप्टर समिट जो है वो भी देहरादून में भी हाल ही में हुआ है। उसके बाद मोतिहारी अमेलखंज पाइपलाइन जो है ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिसेंटली PM मोदी एंड KP ओली जो PM नेपाल के हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जॉइंटली जो मोतिहारी से अमेलखंज, मोतिहारी जो इस चंपारण के हेडक्वार्टर से वहाँ से अमेलखंज की पाइपलाइन का इनॉग्रेशन कर दिया, इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ, और ये सिर्फ 15 महीने में कम्प्लीट हुआ है। जो टाइमलाइन जो आपको ये था प्रपोज था दैट वॉज 30 मंथ्स, तो हाफ टाइम में ही इसको कम्प्लीट करके डेडिकेट ऑलरेडी कर दिया गया। फिर PM ने झारखंड से जो हमारा श्रम योगी मानधन था उसी के बेसिस पे किसान मानधन योजना जो है वो लॉन्च किया है, ये किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स उनको 3,000 रुपये पर मंथ जो 60 साल के बाद प्रोवाइड कराने की मिनिमम बात कही गई। उसके बाद DRDO ने जो है
नेत्र, दैट इज द सेकेंड एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये हैंड ओवर कर दिया है हमारे एयरफोर्स को, ठीक है। तो नेत्र क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछे तो इट्स इज द एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज, लेट मी सी, तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में INS खंडेरी को कमीशन किया गया, साथ साथ P-17 जो शिवालिक क्लास फ्रिजेट हैं, ओके, नीलगिरी एंड द एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राईडॉक, ये दोनों को इंडियन नेवी में आपको एक साथ कमीशन किया है, किसने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह ने, ओके। फिर US, जापान और इंडिया की जो ट्राईलेटरल एक्सरसाइज होती है मैरीटाइम की, उसको मालाबार बोलते हैं, वो अभी हाल ही में पैसिफिक ओशन में हुआ। स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, सी प्लान ऐप जो है, ये यूपी पुलिस की एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं पूरे स्टेट में, उनको, उनके ऊपर नजर रखने के लिए और उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह को ध्यान में रखने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो सेकंड फ्लावर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम में जो होता है, वो इस बार ऊटी होस्ट करने वाली है, ओके। फिर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ही वाज द स्पेशल इनवाइटी। बेसिकली स्पेशल इन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो रशिया के फार ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए एक फोरम बनाई गई है रशिया के द्वारा, तो उसमें इंडिया इस बार पार्टिसिपेंट स्पेशल इनवाइटी थे, एंड पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द रशियन फार ईस्ट, ठीक है। फिर मैत्री, इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, वो मैत्री है, वो इस बार मेघालय में हुआ अभी। देन डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग जो है, उसमें इंडिया की रैंक है वो 44th है डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग्स में, ओके। फिर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है अभी UN में हाल ही में नरेंद्र मोदी को मिला है, ओके। और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, उनके द्वारा ये स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया जाता है जो भी पॉलिटिकल लीडर है जो ग्लोबल गोल्स के टुवर्ड्स कमिटेड दिख रहे हैं उनके लिए। उसके बाद नाउ विंग कमांडर अंजलि सिंह हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द इंडियन मिशन अब्रॉड, तो दिस इज व्हाई इट इज दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने इंडियन एम्बेसी रशिया में ज्वाइन किया एज अ डिप्टी एयर अटैच, ओके। तो अभी तक सिर्फ मेल ऑफिसर जो थे वो तीनों सर्विसेज से अपॉइंट होते थे एज अ मिलिट्री अटैचेस इन ओवरसीज इंडियन मिशंस, बट सी एंड डेफिनेटली दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज सी हेल्स फ्रॉम बिहार, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंजलि सिंह है कौन है, तो ये पहली इंडिया की फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट है जो कि इंडिया के मिशन में अब्रॉड पोस्टेड हुई है, ओके। और ये बिहार से है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। She has been trained on MiG-29 aircraft. शस्त्र रामानुजन प्राइज 2019 का है वो एडम हार्पर को मिला है। रामानुजन प्राइज जो है वो बेसिकली मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, ओके। कोचिन एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट एयरपोर्ट दिया गया है पूरे इंडिया में। स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है स्पोर्ट्स न्यूज़, जब तक कि इंडिया कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अचीवमेंट हासिल ना करे तब तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ को स्किप करेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम अभी चल रहा है और इस टाइम पर हम लोग फालतू की चीज़ें डिस्कशन करने से बढ़िया है कि हम लोग टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही डिस्कस करें, ओके। सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस।
तो आपको जैसे पता भी, जैसे बताया राष्ट्रीय पोषण माह, तो इसका थीम हमने अभी देखा था कि हमारा थीम क्या है इसका, हमारा थीम है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ओके, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर जो है उसने अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करा है फॉर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म। ओके, ये जो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल हमने बताया वो आंध्रा में, फिर मेघालय ने रिसेंटली वॉक टू वर्क कैंपेन को एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है, तो वॉक टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो टोटल 400 प्लस क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है कि आप फिल्टर आउट करनी है चीजें, जैसे ये ऑबिचुरी मैंने बोला जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इज समवन डाइड, तो आपको इनको स्किप करना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च विच प्रोग्राम अंडर विच अ वोटर फ्रॉम ईच फैमिली विल गेट अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो है उन्होंने फर्स्ट एवर टेरा कोटा ग्रिंडर जो है वो लॉन्च करा है हाल ही में वाराणसी में, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तो क्वेश्चंस को फिल्टर आउट भी करना जरूरी है। फिर हाल ही में यूक्रेन के जो नए 17th प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो पोलेस्की होनचारुक को बनाया गया है। ओके, जो 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमने बोला वो ग्रेटर नोएडा भी होस्ट हुआ। फिर समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, बेसिकली ये इंडियन ओशन के अंदर रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट है, ये लोगों को डीप सी में भेजेगी, ठीक है, इन अ सबमर्सिबल व्हीकल, जो भी सबमरीन टाइप के व्हीकल होते हैं, टू बी अ रियलिटी इन 2021-22 विद समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो है जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड किस स्टेट ने अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया, उड़ीसा ने सबसे पहले, तो आपको आइडिया लगाना है कि 400 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उनमें से जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ही आप ध्यान देंगे, और अभी तक कितने सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ईजिली पता चल गया होगा विच न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट, जैसे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर मैं बताऊँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईसीआईसी बैंक ने रिसेंटली एक रोबोटिक आर्म्स को डिप्लॉय किया है टू काउंट द करेंसी नोट्स, बट ये भी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं एक बार को, बट इतना फैक्चुअल पूछ सकते हैं कभी, बट चांसेस आर लेस इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे। फिर युद्ध अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो फिर एशियन और यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगिंस इन थाईलैंड में हुआ था, ये सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको फिल्टर आउट करना है। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 18th डे हमारा हो गया, जो मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था, मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि जो 19th डे है टुमारो हम लोग बिहार का बजट, ठीक है, ऑलरेडी हमने बिहार के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, बट फिर से एक बार हम लोग देखेंगे सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे की समरी बिहार की, और लास्ट डे जो है प्लस साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटैच कर दूंगा सॉल्व 64th बीपीएससी का, ठीक है। जो 20th डे है लास्ट दिन है, उस दिन मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ओके और करंट अफेयर्स बिहार का हम लोग आखिरी दिन डिस्कस करेंगे, पूरा करंट अफेयर्स एंड हाउ टू अप्रोच अप्रोच द क्वेश्चन। तो ये जो लेक्चर है ये लास्ट मिनट रिविजन के लिए बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप यू आर फॉलोइंग द क्रैश कोर्स सीरियसली, और प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमें हमें अप्रोच करके पूछ सकते हैं। ओके तो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सी यू टुमारो, गुड नाइट।